सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के V25 डिवाइस के अंदर आप अपने कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज कैसे कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हो, अगर आपको हिंदी कीबोर्ड यूज करना है तो बिल्कुल ही आसानी से चेंज कर पाएंगे अपने लैंग्वेज को। चलो भाई डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमें कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज करना है। सो गाइस फोन में कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड ओपन कर लेना है। हालांकि मैंने कीबोर्ड ओपन करा है, आप इसको कहीं भी ओपन कर सकते हो, लाइक ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आपको बटन लगे अपने कीबोर्ड को ओपन कर लीजिए। इस तरह से इंटरफेस आएगा। मेरा अभी हिंदी कीबोर्ड ही सिलेक्टेड है, मैं इसको हिंदी नहीं कर सॉरी इंग्लिश कीबोर्ड सिलेक्टेड है, हिंदी अभी मैं नहीं इसको कर सकता। तो अभी इसके अंदर हम पहले हिंदी कीबोर्ड ऐड करेंगे, इसके बाद ही हम इसको हिंदी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग्स का लोगो मिलेगा, इसको क्लिक करना इस आइकन पे। इस तरह से इंटरफेस आएगा। लैंग्वेजेस वाला एक सेटिंग्स है जो सबसे टॉप नंबर पे आपको मिल जाएगा, इसको प्रेस करेंगे एंड यहां पर आएंगे तो एडेड कीबोर्ड का एक ऑप्शन है, इसको जस्ट क्लिक कर देना। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल लैंग्वेज हैं, देख सकते हो जितने भी आपको जहां लैंग्वेज मिल जाती है सब मिल जाता है, साथ में कंट्रीज भी वहां पर मेंशन है, तो आप अपनी कंट्री वाइज यूज कर सकते हो लैंग्वेज। मैं यहां पर चेंज करने वाला हूं हिंदी, आपको जो पसंद आया उसको चेंज कर सकते हो, हिंदी पे क्लिक कर देना है। और इसमें भी कीबोर्ड के स्टाइल्स कुछ मिल जाते हैं, एबीसीडी अगर आप लिखते हैं कुछ इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो हिंदी में चाहिए, तो पहले कीबोर्ड को सेट करेंगे तो इंग्लिश में भी टाइप होगा, हिंदी में भी टाइप होगा। अगर आपको ओनली हिंदी हिंदी चाहिए तो इस वाले कीबोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पहला ही सेट करें, वो ज्यादा बेटर होता है। और अगर आपको यूज करना ही है दूसरा तो आप दूसरा भी हिंदी हिंदी कर सकते हैं। डन कर देंगे, हमारे पास ये कीबोर्ड ऐड हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि हम अपने लैंग्वेज को कैसे हिंदी में कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो मेरे पास अभी ये लैंग्वेज जो है प्रॉपरली इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं हुई है। हिंदी के करना क्या है, इमोजी वाले के राइट साइड में एक आइकन बना हुआ है जो लैंग्वेज का एक लोगो है एक तरीके से कह सकते हो, इसको एक बार प्रेस करना तो HT और EN दोनों साइन स्पेस बटन के अंदर आपको मिल जाएगा, और हिंदी भी करके लिखा मिल सकता है, जरूरी नहीं दोनों ही मिले। तो अब ये आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में भी टाइप करेगा। मैं आपको डेमो दिखाता हूं, मैं अपने नाम को यहां पर टाइप कर लेता हूं, ये हमने इंग्लिश टाइप करा और साथ में हिंदी भी है तो हिंदी भी टाइप कर सकते हैं, यहां से सजेशन के अंदर ही आने लगता है ऑलरेडी। तो अब इसको टाइप करेंगे तो ये इसका फायदा ये होगा कि इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, हिंदी में दोनों कीबोर्ड एक साथ यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हिंदी हिंदी चाहिए तो जो मैंने सेकंड वाला आपको बताया था वहां पर जो स्टाइल था तो सिर्फ उसको सेट करना, तो आपकी टोटल ABCD की जगह आपको छोटा बड़ा लाइक जो लैंग्वेज है टेक्स्ट वाला वो मिल जाएगा, आप उस टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। हिंदी वाला पूरा कीबोर्ड मतलब होगा, जो आपको कुछ भी लिखना तो हिंदी प्रॉपर लिख सकते हो। सो ऐसे ही आपको कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज करना है, आई थिंक गाइस समझोगे चेंज करना कैसे है। एंड फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।